अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू आईआर का सेकंड पोर्शन, जो कि है स्ट्रेटेजिक कल्चर एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कल्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक कल्चर होता क्या है। स्ट्रेटेजिक कल्चर को स्टीवन ब्रोजन ने डिफाइन किया है कि स्ट्रेटेजिक कल्चर इज बिलीव्स एंड अजम्पशंस दैट फ्रेम choices about international military behavior, particularly those concerning decisions to go to war, preferences for offensive, expansionist or defensive modes of warfare, and levels of wartime casualties that would be acceptable. इस definition से हमें क्या समझ में आता है? स्टीफन रोजन ये कहते हैं कि वो सारे के सारे beliefs और assumptions जो मिलके जितने भी किसी स्टेट के इंटरनेशनल मिलिट्री बिहेवियर के बारे में चॉइसेस होती हैं, उनको फ्रेम करते हैं। अब उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें यह हो सकता है कि एक स्टेट ने अगर किसी दूसरी स्टेट एज कम्पेयर टू दूसरी स्टेट अगर कोई एक्ट करना है तो वो ऑफेंसिव होगा, वो एक्सपेंशनिस्ट होगा या वो डिफेंसिव होगा। मतलब एक स्टेट ऑफेंसिवली खुद से पहले किसी दूसरी स्टेट के बारे में कोई एग्रेशन शो करेगी, या स्टेट एक्सपेंशन करना चाहती है, अभी आगे डिफरेंट डिटरमिनेंट्स देखेंगे कि किस किस बेसिस के ऊपर करना चाहती है, या फिर स्टेट डिफेंसिव होना चाहती है, स्टेट डिफेंसिवली कोई काम करना चाहती है, किसी और स्टेट ने उसके अगेंस्ट अगर कोई एग्रेशन शो किया तो स्टेट उसके बदले में क्या करेगी। तो जितने भी बिलीव्स और अजम्पशंस हैं जो कि इन सब चीजों को शेप अप करते हैं, और साथ में इस चीज को भी कि अगर वॉर टाइम पे कोई कैजुअलिटीज होती हैं तो एक स्टेट के लिए कितनी कैजुअलिटीज एक्सेप्टेबल हैं, ये सब चीजें डिटरमिन करने के लिए जितने भी स्टेट के बिलीव्स और जितने भी स्टेट के अजम्पशंस होते हैं वो सब मिला के एक स्टेट का स्ट्रेटेजिक कल्चर बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक कल्चर के की फीचर्स क्या है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक कल्चर होता क्या है। अब देखें, स्ट्रेटेजिक कल्चर की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी नेशन की हिस्ट्री, उस नेशन का एटीट्यूड, उस नेशन की कंडक्ट, ये तीनों चीजें मिलके शेप अप करती हैं कि उस नेशन का स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या होगा। अब ये जो हिस्ट्री और एटीट्यूड और कंडक्ट है ये किसी भी नेशन का है, उस नेशन की पर्टिकुलरली जो इलीट क्लास होती है, डोमिनेंट इलीट्स होते हैं, ये बेसिकली उनकी कंडक्ट होती है, ये बेसिकली उनकी हिस्ट्री होती है और उनका एटीट्यूड होता है, ये शेप अप कर रहा होता है कि किस तरह से एक स्टेट का पॉलिटिकल कल्चर बनेगा। अब देखें, जो जितनी भी एक इलीट होती है, डोमिनेंट इलीट होती है जो कि शेप अप कर रही होती है पॉलिटिकल कल्चर को, बेसिकली वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, तो इसलिए उनका जो बेसिकली एक परसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है कि वो किस तरह से परसीव कर रहे हैं, वो किस तरह से किसी दूसरी स्टेट को परसीव कर रहे हैं या वो किस तरह से इंटरनेशनल डायनामिक्स को परसीव कर रहे हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि हम लोगों को कैसा पॉलिटिकल कल्चर, हम लोगों की स्टेट का कैसा होना चाहिए, हम लोगों की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। देखें, ये जो डोमिनेंट एलीट होती है इसका एक परसेप्चुअल फ्रेमवर्क थ्रू विद द डायनामिक्स ऑफ द एक्सटर्नल सिक्योरिटी एनवायरमेंट आर व्यूड। अब देखिए, एक ऐसा परसेप्चुअल फ्रेमवर्क बना हुआ होता है स्टेट की के लोगों की परसेप्शन, और वो कौन से लोग होंगे, वो डोमिनेंट एलीट होंगे, उनकी परसेप्शन किसके बारे में, उनकी परसेप्शन डायनामिक्स ऑफ द एक्सटर्नल सिक्योरिटी एनवायरमेंट के बारे में, कि बाहर जितनी भी सिक्योरिटी एनवायरमेंट है एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, और स्पेशली उन स्टेट्स के बारे में या रीजन के अंदर उन एक्टर्स के बारे में वो देख रहे होंगे जिन जिन के साथ उनका कंसर्न है या उनका अपना कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो ये देख रहे होंगे कि उन एक्सटर्नल सिक्योरिटी एनवायरमेंट के डायनामिक्स किस तरह से चल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका अपना जो भी परसेप्शन बना हुआ होगा ना, उसको देखते हुए वो लोग सोचेंगे कि उनका क्या स्ट्रेटेजिक कल्चर होना चाहिए, उनकी क्या स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो डोमिनेंट इलीट होते हैं जिनके परसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात हो रही होती है, ये बेसिकली कौन होते हैं, ये बेसिकली पॉलिटिकल मिलिट्री पॉलिसी मेकर्स होते हैं। किसी भी स्टेट का स्ट्रेटेजिक कल्चर या फिर स्ट्रेटेजिक जितनी भी पॉलिसीज होती है जो शेप अप हो रही होती है वो उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री इलीट जो डोमिनेंट होते हैं वो मिलके बना रहे होते हैं, वो शेप अप कर रहे होते हैं कि किस तरह का हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर होगा, किस तरह की हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज होंगी। तो ये जो पॉलिटिकल मिलिट्री पॉलिसी मेकर्स होते हैं ये बेसिकली कर क्या रहे होते हैं,
दे रिस्पॉन्ड टू वट दे थिंक इज द रियालिटी. वो देख तो जरूर रहे होते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की क्या सिक्योरिटी सिचुएशन है, क्या डायनामिक्स हैं, लेकिन उस सब के बाद भी वो बेसिकली सही उसी को मान रहे होते हैं जो उनको बेसिकली लग रहा होता है कि ये रियालिटी है. इसीलिए यहाँ पे बात हो रही है परसेप्चुअल फ्रेमवर्क की, कि उनकी परसेप्शन क्या होती है, उनकी थॉट्स, उनके आइडियल्स क्या बने हुए होते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के बारे में. अकॉर्डिंगली वो सोच रहे होते हैं कि हम लोगों ने किस तरह की स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज बनानी है अपनी स्टेट के लिए. अब स्ट्रैटेजिक कल्चर के डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं. वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि स्ट्रैटेजिक कल्चर किस तरह से एक स्टेट का बनता है, वो देख लेते हैं. जनरल जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनमें से ही कुछ फिर पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कल्चर में भी इंक्लूडेड हैं, फिर उनको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे. डिटर्मिनेंट्स स्ट्रैटेजिक कल्चर के जो है, हमें सबसे पहले आ जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डायनामिक्स. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिस तरह से भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डायनामिक्स होंगी, एक स्टेट अपने हिसाब से देखेगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डायनामिक्स को. पहले देखेगी वर्ल्ड कैसी है, यूनिपोलर है, बायपोलर है, अकॉर्डिंगली उस स्टेट का टिल्ट किस ब्लॉक की तरफ है. फिर रीजनली स्टेट ये देखेगी कि कौन सी पावर डोमिनेंट है, फिर क्या वो डोमिनेंट पावर इस स्टेट की राइवल पावर है या फ्रेंडली है. अकॉर्डिंगली स्टेट ये सारी की सारी चीजें देख के, सारे के सारे डायनामिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के देख के डिटर्मिन करेगी कि उसका अपना स्ट्रैटेजिक कल्चर कैसा होना चाहिए. दूसरी चीज डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट्स. अब स्ट्रैटेजिक कल्चर बेसिकली हम लोग ये कह रहे हैं ना कि स्ट्रैटेजिक कल्चर अगर हम लोग एक जनरली बात करें तो इट इज अबाउट चॉइसिस ऑफ गोइंग इन टू वॉर. के एक स्टेट वॉर में अगर जाएगी तो कैसे जाएगी, ऑफेंसिवली जाएगी, डिफेंसिवली जाएगी, किस तरह से जाएगी. तो फिर ये चीज भी एक स्टेट के स्ट्रैटेजिक कल्चर को डिटरमिन करती है कि स्टेट के ऊपर डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट्स कितनी है. अब डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट्स कैसे है कि अगर एक राइवल स्टेट है उसके साथ कोई एक स्टेट है जो कि डिप्लोमेसी नहीं कंटिन्यू कर पा रही, उसको स्ट्रैटेजिकली ही सोचना पड़ रहा है कि मुझे इसके साथ किस तरह से डील करना होगा. तो फिर जहां जहां पे स्ट्रैटेजिक कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं वहां वहां फिर अकॉर्डिंगली डिटर्मिन हो रहा होता है कि अब किस तरह से स्ट्रैटेजिक कल्चर को बनना चाहिए. जहां तक बाकी तीनों की बात है, पहले बता देती हूँ क्या है, फिर उसके बाद देख लेते हैं. देखिए हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस जितने भी होते हैं स्टेट के, वो डिटरमिन कर रहे होते हैं कि एक स्टेट का इन रिलेशन टू सम अदर स्टेट स्ट्रैटेजिक कल्चर क्या होगा. अभी पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कल्चर क्योंकि हम लोग डिटर्मिनेंट देखेंगे तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे देती हूँ. पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कल्चर में, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस में, पाकिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशन बहुत हद तक पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कल्चर को डिटर्मिन कर रहा है. इसी तरह से अगर हम लोग परसेप्शन ऑफ एडवर्सरी को देखेंगे तो हम लोग किसी एडवर्सरी के बारे में, हम अगर एज पाकिस्तानी हम लोग देखते हैं कि हमारे एडवर्सरीज अगर इंडिया के बारे में हम देखें तो हमारी परसेप्शन क्या है. अब अगेन यहाँ पे वो परसेप्शन वाला एलिमेंट आ जाता है, यहाँ पे वो बात आ जाएगी जो हमारी डोमिनेंट एलिट सोच रही है कि हमारे एडवर्सरी के बारे में उसको क्या ठीक लगता है. तो जो रियलिटी, जो परसेप्शन खुद परसीव की हुई होगी दूसरे एडवर्सरी के बारे में, अपनी राइवल स्टेट के बारे में, वो फिर डिटरमिन करेगी कि स्ट्रैटेजिक कल्चर कैसा होना चाहिए. और कॉन्सेप्शन ऑफ सेल्फ, एक स्टेट और स्टेट की डोमिनेंट एलिट अपने बारे में क्या सोचती है, अपने बारे में वो जो कुछ भी सोचती है उसका जो भी परसेप्शन अपने बारे में, जो भी कॉन्सेप्ट अपने बारे में बना हुआ है कि हम लोग किस हद तक किसी दूसरे को कम्पीट कर सकते हैं, हम लोग किस हद तक स्ट्रैटेजिकली, किस हद तक डिप्लोमेटिकली किसी दूसरे के साथ कम्पीट कर सकते हैं, किसी दूसरे के साथ डील कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें डिटर्मिन करेंगी कि एक किसी भी स्टेट का स्ट्रैटेजिक कल्चर कैसा होगा. जहां तक इन तीनों की बात है तो ये रिलेटिवली परमानेंट होते हैं. मतलब एक स्टेट का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ कोर्स परमानेंट होते हैं, उनसे फिर एक कंस्ट्रक्ट तो बिल्ड हो ही गया होता है ना उस स्टेट का. फिर उसके बाद दूसरी चीज जो है एडवर्सरी के बारे में जो कॉन्सेप्ट है या परसेप्शन है वो भी परमानेंट होता है, वो चेंज नहीं हो रहा था. क्योंकि जैसे बात है कब की कॉन्फ्लिक्ट राइवल स्टेट है आपकी, तो उसके बारे में आपका जो भी परसेप्शन बना हुआ होगा वो तो फिर मुश्किल से ही चेंज होगा ना, रिलेटिवली परमानेंट ही होता है. और तीसरी चीज जो है कॉन्सेप्शन ऑफ सेल्फ, एक स्टेट के एलिट्स का अपने बारे में जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी परमानेंट ही होता है, लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर भी कर रहा होता है. अगर सिचुएशन कुछ इस तरह की बन जाए जिसमें फैक्ट्स कुछ ऐसे हों तो फिर स्टेट्स को थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्शंस, ये जो रिलेटिवली परमानेंट तीन एलिमेंट्स हैं, इनको थोड़ा सा चेंज करके साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स क्या है और डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट्स क्या है हमारे ऊपर. और उसके बाद फिर वो स्टेट्स सोच रही होती हैं कि अब हम लोगों को अपना स्ट्रैटेजिक कल्चर किस तरह से बनाना चाहिए, अब हमारी स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए. अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कल्चर को क्या क्या डिटरमिन कर रही हैं, यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कल्चर ऑफ पाकिस्तान क्या हैं.
पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कल्चर के डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ऑपोजिशन टू इंडियन हेजमनी पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कल्चर को डिटर्मिन करने का एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट बनता है। पाकिस्तान इंडिया से सेपरेट हुआ था बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी और उसके बाद पाकिस्तान अलग से अपनी सॉवरेंटी एंजॉय करना चाह रहा था, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान स्केप्टिकल भी था अबाउट इंडिया और इंडियन हेजमनी। और उसके बाद से इंडिया ने कोशिशें भी बहुत ज्यादा की पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करने की और साथ ही साथ रीजन के ऊपर अपनी डोमिनेंस को कायम करने की। तो इंडिया की हेजमनी को एक्सेप्ट ना करना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कल्चर का और फॉरेन पॉलिसी का भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट रहा है। जहां तक बात करते हैं डिफेंस रिक्वायरमेंट्स की, तो अगेन जैसे पाकिस्तान बना था तो उसके बाद से ही पाकिस्तान को बहुत सारे मिलिट्री, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस बात की नीड महसूस हुई कि पाकिस्तान को अपने डिफेंस के ऊपर बहुत कुछ स्पेंड करना पड़ेगा और अपना अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट्स जो है उनको पाकिस्तान को प्राइमरी रखना होगा, प्राइमरी इंपॉर्टेंस देना होगी। इस वजह से पाकिस्तान की ये रिक्वायरमेंट भी पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई। जहां तक बात न्यूक्लियर डेटरेंस की, तो पाकिस्तान 1971 की वॉर में क्योंकि हार गया था और उसके कुछ साल बाद ही 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे और न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे, तो उसके बाद से ही पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर डेटरेंस पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया और पाकिस्तान परस्यू करने लग गया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को। और आज तक पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस ही है जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जिसको पाकिस्तान यूज करते हुए इंडिया की हेजमनी को काउंटर करने की कोशिश करता रहता है। जहां तक बात है आउटसाइडर्स से एड एक्सेप्ट करने की लेकिन उसके ऊपर रिलाय ना करने की, तो देखें पाकिस्तान शुरू से ही, क्योंकि पाकिस्तान जब बना था पाकिस्तान कंपैरेटिवली वीक था अगर हम लोग इंडिया के साथ कंपेयर करें तो क्या हुआ, पाकिस्तान को इस बात की जरूरत महसूस हुई कि पाकिस्तान को आउटसाइड बाहर की कंट्री से एड लेना पड़ेगी, जिसके लिए पाकिस्तान 1950s और 60s में और उसके बाद 1980s में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ टिल्टेड था और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एड ले रहा था। उसके बाद 1970s में पाकिस्तान का टिल्ट कुछ चाइना की तरफ हुआ और 1990s में जब पाकिस्तान के अपने ऊपर न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद सैंक्शंस लगे तो फिर भी पाकिस्तान ने चाइना की तरफ ही टिल्ट रखा और चाइना से एड ली। तो इस तरह से पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स थी, पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना था, अपने आप को सिक्योर करना था, तो इसलिए पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कल्चर का भी एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट रहा है कि पाकिस्तान बाहर से मिलिट्री एड लेगा तो जरूर लेकिन हमेशा उसके ऊपर रिलाय नहीं करेगा। जहां तक बात है आइडेंटिज्म ऑफ अफगानिस्तान की, तो काफी मरतबा ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को रिकोगनाइज ही नहीं किया था और वो ड्यूरेंट लाइन की लेजिटिमेसी को भी चैलेंज करता रहा। इसके अलावा क्लेम्स जो थे केपी के कुछ एरियाज के ऊपर अफगानिस्तान के, साथ ही साथ पाकिस्तान जानता था कि पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर्स तो सिक्योर है नहीं लेकिन पाकिस्तान अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, पाकिस्तान को एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ चाहिए थी अफगानिस्तान के अंदर, इसलिए पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस बेहतर ही कर रहा होता है। तो पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कल्चर के अंदर पाकिस्तान का अफगानिस्तान की तरफ जो टिल्ट है वो थोड़ा सा सबमिसिव है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि एक तरफ ईस्टर्न बॉर्डर्स अगर सिक्योर नहीं है तो वेस्टर्न बॉर्डर्स को किसी न किसी तरह से सिक्योर तो रखना ही है। जहां तक इस्लाम के रोल की बात है, तो पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पे था, फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही कि पाकिस्तान जितनी भी मुस्लिम उम्मा है उसको यूनाइट करने की कोशिश करे, तो इस्लाम भी पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कल्चर का एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट रहा है। चाहे पाकिस्तान के अंदर सिविल गवर्नमेंट रही हो या फिर मिलिट्री गवर्नमेंट रही हो, दोनों में ही इस्लाम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा जब कभी भी पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कल्चर की हम लोग बात करते हैं। तो ये सब थे पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कल्चर के डिटर्मिनेंट्स। स्ट्रैटेजिक कल्चर वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको उसका बेनिफिट हो सके। दैट वॉज ऑल फॉर टूडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।